उत्तराखंड में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिलक्यारा डंडाला गांव सुरंग के एक हिस्से के ढह जाने से पिछले चार दिनों से उसके अंदर 40 श्रमिक फंसे हुए हैं, जिन्हें बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि बचाव अभियान में काफ़ी रुकावटें भी आ रही हैं। 14 नवंबर को भी एस्केप टनल बनाने के लिए शुरू की गई ड्रिलिंग को लैंडस्लाइड के चलते रोकना पड़ गया था। इस बीच सिलक्यारा टनल में श्रमिकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि सुरंग के मलबे में फंसे उनके साथियों को जल्द निकाला जाए। जानकारी के मुताबिक सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए एयरफोर्स के 3 विशेष विमान 25 टन भारी मशीन लेकर आ रहे हैं, जो मलबे में भेद कर स्टील पाइप दूसरी तरफ पहुंचाने में मददगार साबित होंगे। इस मशीन के जरिए प्रति घंटे 5 मीटर मलबा पार किया जा सकता है। हालांकि इस मामले पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द सभी श्रमिकों को बाहर निकाल लिया जाए। जो अंदर हैं अमित भाई, सभी सुरक्षित हैं और बचाव का काम तेजी से चल रहा है। मलबा हटाने का काम, रास्ता बनाने का काम तेजी से चल रहा है। सभी एक्सपर्ट एजेंसियां लगी हुई हैं। केंद्र सरकार भी पूरी तरह से और राज्य सरकार भी पूरी तरह से इस पूरे प्रकरण में गंभीर है और हर प्रकार से जो भी संभव हो सकता है वो सब कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इस पर चिंता व्यक्त करी है, उन्होंने घटना की विस्तृत जानकारी ली है और हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी लोगों को बाहर निकाला जाए। उत्तराखंड के आपदा सचिव रणजीत सिन्हा ने पूरी जानकारी दी है। NDRF, SDRF, ITBP, स्थानीय प्रशासन की टीम युद्ध स्तर पर काम में जुटी हुई है। ऑगर मशीन कल रात में पहुंच के अपना काम शुरू कर दी है। टनलिंग, वो जो बोरिंग होनी थी वहाँ पे डेब्रिस से, मलबा से, वो शुरू हो गया है। उन्होंने करीब 24 से 30 घंटे का समय मांगा है, तो देखते हैं आज रात तक ये कहाँ तक ये स्थिति क्लियर हो जाएगी। बता दें कि टनल में फंसे श्रमिकों से संपर्क बना हुआ है। मौके पर मौजूद सभी टीम समय समय पर श्रमिकों को खाना पानी और अन्य चीजें मुहैया करवा रही है। हालांकि इस दौरान खबर सामने आई कि कुछ श्रमिकों का स्वास्थ्य खराब हुआ है, लेकिन उन्हें इलाज के लिए समय पर दवाइयां और अन्य सामान भी पहुंचा दिया गया है। कंट्रोल में है, उनसे बात भी हो गई है। जो समन्वय कम्युनिकेशन है वो एस्टैब्लिश हो चुका है। जो खाने पीने की सामग्री थी वो अब भी मैं अंदर से आया हूँ, उनसे बात भी हुई है। एक ट्रैप जो है, उनके परिजन भी आए थे, गब्बर नेगी जी, तो उनकी अभी सामने बात भी कराई है, तो वो सब ठीक है। और जो ऑगर मशीन जो बाहर से बुलाई गई थी, तो उसके लिए जो पूरा सेटअप है वो स्थापित कर दिया गया है और बस अब जैसे ही वो सेटअप कंप्लीट हो जाता है तो ऑगर करना चालू कर देंगे और मुझे लगता है जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म कर लिया जाएगा। वैसे वो सेफ है एकदम, सब कुछ ठीक है, अभी बात करके आए सबसे। बता दें कि 12 नवंबर की सुबह ब्रह्मखाल यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिलक्यारा से डांडाला गांव के बीच निर्माणाधीन सुरंग में हुए हादसे में करीब 40 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू की टीम लगातार जुटी हुई है। इसमें NDRF, SDRF और पुलिस कर्मियों की टीम मिलकर काम कर रही है। यह सुरंग चार धाम ऑल वेदर रोड परियोजना का हिस्सा है,